आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू पीपीटी एंड हाउ टू क्रिएट पावर पॉइंट फाइल। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया पीपीटी, इसका मतलब भी होता है पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट की आज हमें फाइल बनानी सीखनी है। तो पावर पॉइंट की फाइल को स्लाइड बोलते हैं। यहाँ पर एक फाइल के अंदर 10 स्लाइड भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं। यानी फाइल में जो पेजेस होंगे उनको स्लाइड बोलेंगे। जैसे पावर पॉइंट है वैसे ही हमारा वर्ड था, और वर्ड में जो हमारी फाइल हुआ करती थी उसको हम बोलते थे डॉक्यूमेंट। वहाँ पर जो हमें पेज मिलते थे उनको हम वहाँ डॉक्यूमेंट बोलते थे। अब हम इसमें इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ यहाँ से। इसके बाद हम पावर पॉइंट फाइल खोलेंगे। तो पावर पॉइंट फाइल ओपन करने का तरीका ये होता है कि आप जो है ये 4 बॉक्सेस यहाँ कॉर्नर में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप सिंगल क्लिक कीजिए तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन होकर के आ जाएगी। अब इस लिस्ट में आप माउस से स्क्रॉल करके पावर पॉइंट को सर्च कर सकते हैं। देखिए एमएस ऑफिस के अंदर मिलेगा ये, और एमएस ऑफिस के अंदर यहाँ से पावर पॉइंट देख लीजिएगा आप। ये देखिए एमएस पावर पॉइंट 2010। तो जो सिस्टम में आपके पावर पॉइंट होगा, जो वर्ज़न होगा, तो वो आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से नहीं मिल पा रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे, ये एक सर्च बॉक्स बना हुआ है नीचे बॉटम साइड में, यहाँ पर आप डायरेक्टली लिखेंगे पावर पॉइंट, और ये देखिए आपके सामने आ जाएगा ये, और आप इस पर जस्ट क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने एक ब्लैंक पेज आ जाएगा, इस पेज को हम यहाँ पे स्लाइड बोलते हैं। तो आज जो हम इसमें बनाने वाले हैं वो अपने स्कूल के बारे में हम 5 स्लाइड बनाने वाले हैं। ये देखिए मैंने कुछ कुछ मैंने पहले से टाइप कर लिया है, तो आप जब भी आप बनाओगे तो उससे पहले आप टाइप कर लीजिएगा एमएस वर्ड में, या अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा। तो मैंने पहले से ही बना रखा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जैसे इतना पार्ट मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने का तरीका होता है कि आप होम पर जाएंगे, और ये जो जिसमें मैंने टाइप किया हुआ ये वर्ड फाइल है, तो यहाँ पर कॉपी करने का तरीका होता है होम टैब के अंदर, यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन होता है, कॉपी कर लिया। और नीचे ये होता है नीचे स्टेटस बार, तो जब हम किसी भी फाइल को मिनिमाइज़ कर देते हैं तो नीचे बॉटम साइड स्टेटस बार में आ जाता है। तो यहाँ से पावर पॉइंट की स्लाइड हम जो है हम इसको पावर पॉइंट की स्लाइड पर हम क्लिक कर दे रहे हैं, और ये पावर पॉइंट की स्लाइड हमारी आ चुकी है। अभी हमारे पास में 2 बॉक्सेस दिखे हैं, इसमें लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल। तो अगर हम इसमें इसको खाली भी छोड़ देते हैं तब भी ये क्या होगा, ये ऐसे दिखाई देगा। तो हम इसके अंदर क्लिक करते हैं और इसमें हम पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट करने का तरीका है कि होम टैब पर जाएंगे, पावर पॉइंट में और वर्ड में सेम ही जगह पर हमारे कॉपी पेस्ट ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर मैं होम में जाने के बाद यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन है, वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद ऐसे ही पेस्ट हो जाएगा। तो हमारा टाइटल हो गया। अब ये देखो बॉक्स जो है, हम इसको बड़ा कर सकते हैं ऐसे ड्रैग करके। तो इसमें लिखा है ए व्यू ऑफ आवर स्कूल, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 रुड़की, ठीक है। और यहाँ सब टाइटल में आप लिख सकते हैं, अगर कोई जैसे मैं इसको बना रहा हूँ तो मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, या कोई अगर बच्चा बना रहा है तो यहाँ पर वो अपना नाम लिख सकता है। तो जैसे हमारे यहाँ पे मैं किसी बच्चे का नाम लिख देता हूँ, बच्चे का नाम टाइप कर रहा हूँ निखिल सिंह क्लास 3B। और इसको ऐसे ड्रैग करके साइड में कर देते हैं। ड्रैग करने का तरीका होता है कॉर्नर से आप इसको पकड़िए, ऐसे हम बड़ा छोटा कर सकते हैं जहाँ पर इसके पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। और ड्रैग करने के लिए हम इसके यहाँ कॉर्नर से या यहाँ से जहाँ पर इसके पॉइंट नहीं है वहाँ से इसको हम ड्रैग करके ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारी एक फाइल तैयार हो गई है, फिर दूसरी फाइल इसमें ऐड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें न्यू पर क्लिक करेंगे, और ये देखिए एक और स्लाइड आ गई है। तो हमें जितने नंबर ऑफ़ स्लाइड चाहिए हम यहाँ पर क्लिक करते रहेंगे, उतने नंबर ऑफ़ स्लाइड हमारे सामने आ जाएंगी।
फिर हमने कंटेंट पहले से टाइप कर लिया है, तो आपने भी अगर नोटबुक में नोट कर रखा होगा तो आप क्या करेंगे उसको यहाँ पर डायरेक्टली टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। बिल्डिंग हमारे यहाँ पे दो हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ से इसको अपनी फाइल पर पहुँचा और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए हमारा आ चुका है ये। अब हमारी दो बिल्डिंग हैं तो उनकी फ़ोटोज़ हम लगा सकते हैं। तो फ़ोटोज़ लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज़ करेंगे और मिनिमाइज़ करने के बाद इसको मिनिमाइज़ करेंगे और यहाँ पर देखिए मैंने फोल्डर बना रखा है फाइल का, जिसमें हमारी इमेज है। और इमेज को हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी इमेज जो हमें चाहिए होगी वहाँ पर उसको उठा लेंगे। तो मैं यहाँ से ना इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये व्यू में दिखाई दे। तो यहाँ पर बिल्डिंग की तो मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है, ये है मेरे पास में फ़ोटो एक, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और कॉपी किया और पावर पॉइंट पर गया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट हम यहाँ से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमारे पास में पेस्ट का ऑप्शन आ जाता है। अब ये इमेज हमारी बहुत बड़ी है तो हम इसको ऐसे पकड़ पकड़ के इसको थोड़ा सा ड्रैग करके ऐसे हम इसको कॉर्नर से इसको इसका साइज़ कम कर सकते हैं ऐसे। तो ये हमारा देखिए साइज़ क्या हो रहा है, ये इसका इस पिक्चर का साइज़ छोटा हो रहा है और इसको फिर बीच में लाइए स्मॉल हो रहा है साइज़, फिर लाइए जब तक ये छोटा ना हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल फिट ना आ जाए तब तक इसको करते रहिए। अब ये देखिए हमारी जो बिल्डिंग है इसमें बिल्डिंग का व्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर दो फोटो लगानी है तब भी आपको क्या करना होगा, एक और फ़ोटो लाने के लिए पहले उसके लिए स्पेस बनाना पड़ेगा। तो मैंने इसको यहाँ से ऐसे ये मैंने यहाँ कर दिया इसको। अब एक और फ़ोटो चाहिए मुझे, तो मुझे क्या करना होगा, इसको मिनिमाइज़ करना होगा, फ़ोटो में जाऊँगा और यहाँ से कॉपी कर लूँगा। देख लेते हैं हमारे पास में कोई और प्राइमरी की बिल्डिंग है तो। प्राइमरी का हमारे पास में ये हमारा व्यू है जो प्राइमरी सेक्शन का है, इसको मैं नहीं, हमारा मेन बिल्डिंग का ही है, इसको हम जो है कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया तो देखिए इसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग करके इसको पहले इसका साइज़ रिड्यूस करेंगे, ऐसे कॉर्नर से पकड़ कर इसको शॉर्ट कर देंगे ऐसे। और जब तक करते रहेंगे जब तक ये जो है बिल्कुल हमारे स्लाइड पर फिट ना बैठ जाए। अभी भी नहीं हुआ है तो अभी भी करते रहेंगे। आप देखिए ये कुछ हमारे स्लाइड में फिट हो सकता है, तो इसको मैं ऐसे और छोटा करके और यानी इस साइज़ में कर दूंगा कि ताकि ये हमारे पेज पर आ जाए। अब इन दोनों को बराबर कर देते हैं ताकि लगे कि ये जो फ़ोटोज़ हैं वो एक ही फ़ोटो हैं। तो ये देखिए हम बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये एक ही फ़ोटो है। अब हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। देखो जैसे ये क्या हुआ कि ये फोर्थ स्लाइड पर आ गया, तो इसको ऊपर नीचे करने के लिए हम डायरेक्टली स्लाइड को ऊपर से नीचे को कर देंगे। तो ये देखिए इसका जो है सीक्वेंस चेंज हो गया है, ये वन ये टू। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, थर्ड पे। तो थर्ड पर आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी हमें चाहिए उसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी किया और ये हमने हेडिंग बनाई है, इसको हेडिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लिक है ऐड टू टाइटल में हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर इसको कुछ अगर हम ऐड करना चाहते तो ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको कट करेंगे और इसके बाद हम इसको मिनिमाइज करेंगे और मान लेते हैं जैसे हमें ग्रीन शो करना है, ग्रीन बिल्डिंग हेडिंग के अकॉर्डिंग हम अपनी फ़ोटो लगाएंगे। तो प्लेग्राउंड और ग्रीन टी लगाना है हमें, तो प्लेग्राउंड की फ़ोटो देख लेते हैं हमारे पास में है या नहीं है। इसको मिनिमाइज़ किया तो
तो प्ले ग्राउंड की इमेज हमारे पास में यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास में ग्राउंड की फ़ोटो है, ये देखिए गार्डन की है, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, फिर अपनी स्लाइड पर पहुँचेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और इसमें देखिए यहाँ पर प्राइमरी का गार्डन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसको मैं ऐसे, आप इसको कॉर्नर से साइज़ को ऐसे हम इसके रिड्यूस कर सकते हैं, ये देखिए रिड्यूस हो रहा है ये, और जब तक करते रहेंगे जब तक ये फिट ना हो जाए हमारे स्लाइड पर। अभी भी नहीं हुआ है, थोड़ा और करना होगा। ये देखिए अब ये हमारे स्लाइड पर आ चुका है, अब इसको हम अपनी विंडो पर इसको सेट कर देंगे स्लाइड पर। तो ये देखिए हमारा प्ले ग्राउंड एंड ग्रीन टी बन गया है, एक और स्लाइड हमारी बची है, एक खाली है, तो इस पर जाएंगे। और यहाँ जाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से एक हेडिंग लेंगे, हेडिंग ये देखिए मेन बिल्ड एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग व्यू और कोविड अवेयरनेस, तो ये अलग अलग स्लाइड पर भी आ सकती है, और एक ही स्लाइड पर आप इस हेडिंग को भी ले सकते हैं। तो मैं अपनी स्लाइड पर पहुँचता हूँ, और क्लिक हेयर टू क्लिक ऐड टू टाइटल में यहाँ से पेस्ट कर देंगे, और ये हमारा आ गया है। अब ये जो है एक्स्ट्रा, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने का तरीका ये है कि आप डायरेक्टली इस जिसको आपको डिलीट करना है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए कीबोर्ड से, ये कीबोर्ड में हमारे पास ऑप्शन होता है, तो कीबोर्ड से हम डायरेक्टली हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब एक और फ़ोटो ले लेते हैं हम, ये हमारे पास में हमारी स्कूल की मेन बिल्डिंग की एक फ़ोटो है हमारे पास में, ये वाली फ़ोटो ले लेते हैं हम कॉपी करके, और अपनी स्लाइड पर पहुंच जाते हैं, स्लाइड पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये भी काफ़ी लार्ज साइज़ में आ रही है, तो हम इसको ऐसे ड्रैग करके छोटा भी कर सकते हैं ऐसे, ताकि ये हमारी स्लाइड पर बिल्कुल फिट आए। और जब तक करेंगे जब तक कि ये हमारी स्लाइड पर बिल्कुल फिट ना आ जाए। अगर इसमें कोई इमेज एक से दो बार रिपीट भी हो रही है तब भी उसमें कोई इशू नहीं है, ये जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जो है फ़ोटोज़ आप इकट्ठी करके एक स्लाइड बना सकते हैं। और इसमें एक और मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, जिसमें हमारी लास्ट हेडिंग आ जाएगी कोविड अवेयरनेस, इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया। और जो ये इसमें अगर आप टाइप करना चाहते हैं टाइप, तो टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर फ़ोटो लगा दीजिए। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, और यहाँ से देखो कोविड के लिए हमारे स्कूल में कुछ बैनर भी लगाए गए हैं, और एक वॉल पेंटिंग की गई है, तो उसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, जैसे मैंने ये कॉपी किया। और यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये वॉल पेंटिंग हमारी काफ़ी बड़ी हो रही है, तो इसको हम फिट करेंगे। तो फिट करने का तरीका ये होगा कि इसको इसके कॉर्नर से पकड़ेंगे, ड्रैग करेंगे अंदर की साइड, और जब तक ड्रैग करेंगे जब तक ये बिल्कुल हमारी स्लाइड पर फिट ना आ जाए। अभी भी काफ़ी बचा है, तो फिर भी यहाँ से कॉर्नर इधर से साइड से पकड़ेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे, और ये देखिए हमारे पास में ये आ चुका है। ऐसे आप एक से ज़्यादा अगर लगाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा इसको ऐसे फैला दीजिए, इसके बाद दूसरी फाइल उठाइए, इसको मिनिमाइज कर दीजिए, और यहाँ से देखिए कोविड के लिए हमारे स्कूल में एक और यहाँ पे पोस्टर लगाया गया है,
यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। अब ये भी काफ़ी जो है अपने फुल साइज़ में आ रहा है, तो हम इसको ऐसे पकड़ कर ऐसे इसको हम ड्रैग कर सकते हैं इसके पॉइंट से। पॉइंट को पिक किया और इसको ऐसे 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 करते हुए इसको, जब तक ये बिल्कुल हमारे स्लाइड के इक्वल ना हो जाए, फिट होने की कंडीशन में ना आ जाए, तब तक हम इसको ऐसे ही ड्रैग करके करते रहेंगे। अब ये हमारा देखिए, ये हमारी ऐसे स्लाइड आ गई है। अभी भी इसमें देखिए थोड़ा सा और मैटर बचा हुआ है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अभी हमारी स्लाइड पर बिल्कुल फिट आ जाएगा। ये देखिए, अब देखिए इसमें एक और चीज़ हमारे पास में बचती है, एक और हेडिंग देख लेते हैं। लास्ट हेडिंग क्या है हमारी, और कंप्यूटर टीचर। यहाँ पर आप मैथ्स टीचर या फिर हिंदी टीचर या फिर कोई आपके कोई पॉलिटिशियन आपका फेवरेट है तो उसकी फ़ोटो भी लगा सकते हैं, या ये जस्ट एक आइडिया है कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो एक और स्लाइड हम हमने ली है, तो यहाँ पर भी हम फोटो देख लेते हैं अगर कोई फोटो है तो। यहाँ पर कोई फ़ोटो नहीं है, और अगर आपके सिस्टम में फ़ोटो है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक ये हमारे पास में फ़ोटो आ जाती है, और यहाँ पर हम इसको ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हम ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे ड्रैग किया, और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एस लगा देते हैं। तो आज हमने जो बनानी सीखी है, ये स्लाइड बनानी सीखी है, कैसे हम स्लाइड बना सकते हैं। और अगर आप इसको फुल स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन के लिए आपको यहाँ पर कॉर्नर साइड में स्लाइड व्यू का ऑप्शन मिलेगा, स्लाइड शो का। तो ये देखिए बॉटम साइड में ये चार ऑप्शन है, सबसे लास्ट वाला इस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो और यहाँ पर एक मैसेज आएगा, इसको आप ओके कर दीजिएगा। तो अब ये देखिए पूरी स्क्रीन यानी फुल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब कीबोर्ड में आपको एरो की दिखाई दे रही होंगी, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आप एक एंड और एक होम, या अप और डाउन और राइट और लेफ्ट, तो यहाँ पर आप राइट बटन का यूज़ करेंगे। तो ऐसे हमारा ये देखिए व्यू हमारा दिखाई दे रहा है, ऐसे आप बना सकते हैं इसको। और बैक जाना चाहते हैं तो ऐसे बैक भी जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको स्लाइड बनानी बताई है, कैसे हम स्लाइड बना सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो रहा है आप लोगों को तो आप कमेंट करके या डायरेक्टली मेरे पास मैसेज करके या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और बाहर निकलने के लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल एंड में जाएंगे और लास्ट वाले जो स्लाइड है उसमें जाते ही आप जैसे ही आप एरो की बटन का यूज़ करोगे तो ये क्या होगा, हम बाहर आ जाएंगे उस स्लाइड से। और इसको सेव करके आप रख सकते हैं अपने पास में। सेव करने का तरीका भी आप देख लीजिए, फाइल में जाएंगे और यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल जाएगा और ये आप बना लूँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, जो फर्स्ट लाइन होती है उसी को ये उठा लेता है टाइटल में, और यहाँ पे फाइल का नाम आप अगर चेंज करना तो चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं,
अदरवाइज़ आप इसको सेव कर दीजिए, और इसकी लोकेशन आएगी डॉक्यूमेंट के अंदर। इसको सेव करेंगे तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये पीपीटी